हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हैं फ्रेंड्स? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी है आप लोगों की? पढ़ रहे हैं आप लोगों की? यहाँ पर सुबह के 10 बजे वाली क्लास है, थोड़ा सा डिले है, लेकिन ये टाइमिंग में क्लास है कि सुबह क्लास मुझे करनी है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर की थी, क्योंकि रात में मेरा थोड़ा बाहर हो गया तो मैं टाइम पे चीज़ें नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी दे रही हूँ, चीज़ें हो जा रही हैं। ठीक है, अब आगे पीछे होता है, इतना समझदार खुद। ठीक है, चलो क्या पढ़ना है ये देखते हैं। शिक्षण अधिगम में यहाँ पर अति लघुत्तरी के प्रश्न करने हैं, जो कि 1 नंबर के यहाँ पर है। मैंने इसके 2-3 आपको करवा दिए और करवाऊंगी भी, क्योंकि आपका ये सिलेबस जो है काफ़ी अच्छा, और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में करना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो चीज़ हम करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। आप जुड़े शाह के साथ, लाइक से सब्सक्राइब कोई नहीं भूले। कोई दिक्कत होती तो बताइएगा, जो भी चीज़ें होंगी हर चीज़ पता चलेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, पहली बार आए हैं तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं, अपने फटाफट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अति लघुत्तरी टाइप के भी देखना है, क्योंकि हमको लिखना भी तो पड़ेगा, क्योंकि लिखने वाला सेक्शन ज़्यादा, टिक करने वाला कम है, तो उसके लिए भी अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके हर चीज़ को करने का प्रयास करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र एवं उसके उदाहरण। आपको कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे, सिर्फ शिक्षण सूत्र नहीं लिखना रहेगा, आपको उसके उदाहरण भी लिखने होंगे आपके वहाँ पर। अब मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको कुछ यूनिक लिखना है तो आपको वहाँ पर सूत्र के साथ कुछ एग्जाम्पल बिना कहे देना होगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है क्लियर तरीके से। आप जानते हैं इसमें सूत्र जितने भी आपने पढ़े हैं, सभी सूत्रों को सेम तरीके से लिखिए, उसके उदाहरण को दीजिए प्रॉपर तरीके से, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है वो जानते हैं। इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अकॉर्डिंग बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए या जो कुछ भी सिखाना है, उसे पहले पूर्ण रूप से समान एकदम रखा जाए, पूरा संपूर्ण दिखाया जाए, उसके बाद उसके हर एक पार्ट को, हर एक अंश को स्पष्ट करके दिखाया जाए कि ये इसका ये हिस्सा है, इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, तो उसको वो चीज़ सही तरीके से समझ। अगर आप टुकड़े टुकड़े में दिखाएंगे तो फिर वो चीज़ पजल टाइप की हो जाएगी, फिर उतना समझ में नहीं, जब तक वो पूरा जोड़ के उसको सम्मिलित नहीं कर पाएगा। और हर चीज़ को जोड़ना आसान नहीं होता है, तो ये सूत्र ये हमें सिखाता है कि आपको कोई विषय पढ़ाना है या आपको कोई चीज़ दिखानी है, समझानी, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस सूत्र के अकॉर्डिंग पूरा समग्र रूप उसका दिखाना होगा कि ये स्ट्रक्चर है, ये नक्शा है, ये घर है, ये ऐसी चीज़ें, उसके बाद एक एक चीज़ों को बताना। जैसे एक स्केलेटन बॉडी होती है तो उसमें हाथ, नाक, कान, पैर सब अलग अलग होता है, तो पहले पूरा दिखा दो, उसके बाद सब कुछ बताओ, ये नोज है बेटा, ये आँख है बेटा, ये कान है बेटा, ये गाल है बेटा, ये मुँह है बेटा, ये दांत है बेटा, ये बेटा, वो बेटा, वो, तो पूरा करके आप जब दिखा दोगे तो उनको समझ में आता है ये काम करता है, इसका ये काम है, इसलिए इसको बनाया गया, ये इसलिए इसके साथ रहता है, तो वो शायद ज़्यादा समझ में आता है। और खासकर साइंस के विषय में बहुत अच्छा होता है, साइंस में बिल्कुल आप पार्ट्स और पार्ट वगैरह होते हैं उस पर काफ़ी हेल्पफुल होता है, इंग्लिश ग्रामर में भी काफ़ी हेल्पफुल है, हिंदी ग्रामर में भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो इस तरीके से होता है। अब इसके उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, तो उदाहरण में है कि बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है। जैसे हम कोई वृक्ष वगैरह देखते हैं तो सबसे पहले जो उसका एक पूर्ण रूप होता है उसको प्रॉपर तरीके से बड़ा करके देखते हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है और कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। हम उसको फिर देखते हैं, ये अच्छा ये पत्ती होती है, ये डाल होती है, ये इसका ये पार्ट होता है, इसका ये पार्ट होता है, इसका वो पार्ट होता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी आसान। तो बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है, सबसे पहले पूरा उसका समग्र रूप दिखता है, उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं देखता है। शिक्षक को उसके पूर्ण ज्ञान का लाभ उठाकर वृक्ष के जितने भी अंग, जड़, तबत्ता, डाली, तना, फल, फूल है, उसके बारे में एक एक जानकारी देता है, बेटा ये पेड़, फिर उसकी पत्ती, उसकी डाली, पत्ती का क्या काम, जड़ का क्या काम, फूल का क्या काम, फल का क्या काम, पहले कौन आता है, पत्ती आती, डाल आती, जड़ आती, पत्ती, फूल क्या आता है, तो इसके बारे में एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल फिर आप बताते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से आपको जितने भी शिक्षण सूत्र दें, अभी तक ये बात ध्यान रखिएगा कि मैथ में ही ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह एग्जाम्पल देने हो, आपको सभी विषय में जो है एग्जाम्पल ज़रूर ऐड करना होगा, जब भी किसी प्रविधि का, विधि का या सूत्र का कुछ भी पूछा जा रहा है आपसे। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आगमन विधि का क्या उदाहरण है ये जानते हैं। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि में सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित जो भी उदाहरण होते हैं वो दिए जाते हैं। आपको 2 प्रश्न बनता है, एक बनता है आगमन विधि क्या है, दूसरा बनता है निगमन विधि क्या। आगमन और निगमन विधि से कई बार प्रश्न आपको बने हैं और आपके टेट, सुपर टेट, सीटेट में भी आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है कि आगमन विधि में सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण, जो विषय पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, उसके संबंधित जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल हैं, वो चीज़ें रखी जाती हैं। उदाहरण के आधार पर नियम स्थापित किया जाए, पहले उदाहरण सामने ले आकर रखेंगे, फिर नियम को बताएंगे कि इसका नियम ये है, इसका ये काम है। ये विधि जो होती है ये छात्र केंद्रित
स्ट्रिक्ट होती है क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग चलती है, बच्चे जिस विषय को कहते हैं या जैसा पढ़ना चाहते हैं हम उसी तरीके से उनको पढ़ाते हैं और बताते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि पहले कोई जैसे आपको, जैसे आपको वर्ल्ड टूर करवाना है तो वर्ल्ड टूर करवाने के लिए मैप ले आओ, ग्लोब ले आओ, यहाँ पर बताओ, अच्छा अंतर रेखाएँ बतानी है वो ले आओ, आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताना है तो बड़ा सा सोलर सिस्टम, अगर स्मार्ट बोर्ड की क्लास है तो वो ओपन करके दिखाओ, नहीं है तो घर से तो गत्ते का बना के काट पीट के जैसा भी करना हो वैसा बना कर लेके जाओ दिखाओ, या आपको कुछ और सिखाना है, जो भी चीज़ें आपको सिखाएं, से कंप्यूटर सिखाना है तो कंप्यूटर गत्ते का बना कर लेके जाओ, कीबोर्ड बना कर लेके जाओ, ये टीएलएम है, यही सब तो चीज़ें होती है। टीएलएम आपको क्यों बनाया जाता है, आप देखते हो काका काका चार्ट पर लिखते हो, आप लोगों ने बहुत सारा बनाया भी होगा, आप 1 2 3 गिनती लिखते हो, मंथ का नेम लिखते हो और जनवरी फरवरी का नेम और डे वाला नेम क्या क्या नहीं, हम लोगों ने सब बनाया, फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हो, डिक्शनरी बनाते हो, एल्बम बनाते हो, बहुत कुछ मैंने भी बनाया था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पहले हम उन चीज़ का जब एक उदाहरण प्रस्तुत कर देते फिर उसके नियम ले जाके ते बताते हैं ना, तो बच्चों को समझ में आ, और आप जानते हो ना कि देखी हुई चीज़ें ना हमें ज़्यादा याद रहती है। हमने भी बात बहुत नोटिस की कि मैंने भी कोई स्टोरी है देख ली है वो, जैसे पानीपत की पिक्चर आई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा क्या नाम था, अर्जुन कपूर की थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई का था, ठीक है, वो बच्चे के थ्रू वो चीज़, वैसे मैं पढ़ ही रहा हूँ तो भूल जाता है लेकिन वो देखी हुई दिमाग में एकदम सेट है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि हम लोग भी जब देखे रहते हैं तो हमें ज़्यादा याद होती है। तो आगमन विधि भी इसी तरीके से है कि पहले उदाहरण लेकर रख देगी फिर नियम हो जाएगी। चलो आगे, शिक्षण सूत्र विधि किसकी है, जो शिक्षण सूत्र में इतनी सारी विधियाँ बताई गई वो किसकी है, यानी कि इनके जो प्रतिपादक हैं उनके नाम लिखने। अब एक बात इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी वो क्या कि इसमें ये नहीं लिखा है कि कोई 2 सूत्र के प्रतिपादक का नाम बताओ या 3 के बताओ 4 का बताओ, ऐसा नहीं लिखा है, इसे लिखा हुआ है कि शिक्षण सूत्र विधि जो है वो किसकी है। तो इसके लिए आपको अगर 2 याद है तो कम से कम 2 ज़रूर लिख दो, नहीं 3 लिख दो। देखो मैंने क्या लिया है, एक तरफ मैंने क्या किया कॉलम बनाया, 1 2 3 4 विधि मैंने ली, इधर शिक्षण विधि का कॉलम लिख दिया, इधर प्रतिपादक लिख दिया। तो मॉन्टेसरी विधि के बारे में आपने पढ़ा है, हिंदी में भी है और आपके इन सब सब्जेक्टों में भी है, तो आप लोगों को मॉन्टेसरी विधि के बारे में बताया जो कि मारिया मॉन्टेसरी की है। किंडरगार्टन विधि के बारे में आपने खूब ढेर सारी बातें पढ़ी है तो वो फ्रोबेल की है। खेल विधि पढ़ा है तो क्या है, कोल्डवेल हेनरी कोल्डवेल कुक की है, ठीक है, और डाल्टन विधि पार्कहर्स्ट की है। डाल्टन विधि किसकी है, तो पार्कहर्स्ट की है। तो ये 4 विधियाँ आपको यहाँ पर बताई गई हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, देखिए शिक्षण विधि तो आप जान ही रहे हो चारों, इनके प्रतिपादक के नाम भी आज मैंने बता दिए, कुछ आपको पहले से पता थे, लेकिन ये चारों विधियाँ भी पढ़ लीजिएगा। इन विधियों के बारे में मैं बता तो दूंगी लेकिन आप भी खुद से प्रिपेयर कर लो, इनके उदाहरण भी देख लो, क्योंकि प्रश्न बनता है जो जो टॉपिक खूब पूछे जाते हैं उनको हम खुद ही बता दें तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और आपको यही गोल करना है कि बढ़िया लेकिन 90% ले आना है, बैक का तो सवाल ही नहीं करना, ठीक है, बता दे रहे, इतना ध्यान रख लो, मेहनत बहुत हो रही है तो रिजल्ट आना चाहिए। और राइटिंग लिखने, बस राइटिंग भी लिखोगे तो हो जाएगा, और टाइम पे ज़्यादा फटाफट लिखना नहीं तो वहाँ टाइम कम पड़ जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है, जनक कौन है, बहुत आता है, टिक करने को आता है। तो 4th क्वेश्चन आज का यहाँ पर ये कह रहा है इसके जन्मदाता कौन है, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि इसके देखो एक देखो फिर क्या है कि प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता जो हैं वो आपके दार्शनिक सुकरात हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि देखो टिक करने वाले में जब आए तब तो आप सुकरात पे जाओ टिक मार दो, समझ में आता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन जब ऐसे लिखने को एक नंबर में आया, जब ये लिखने वाले में पूछ रहे हैं उसका उत्तर एक ही वर्ड का है, तो आपको अपने नंबर लेने के लिए इसमें आपको एक नंबर पूरा चाहिए, तो उसकी पूरी लाइन ऐसे बकायदे लिखना है तब उसके बाद नंबर लेना, ये सिर्फ वहाँ पर सुकरात करके मत आना, वरना आधा नंबर वो भी देगा क्योंकि आपने आधा आंसर लिखा है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, साफ सुथरा, कलरफुल नहीं, सजाना नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल लिखना है, जितना अच्छा लिखोगे ढंग से उतना नंबर पाओगे, इतना ध्यान रखना। 5वां क्वेश्चन आता है निगमन विधि क्या है। अब आगमन विधि और निगमन विधि दोनों दोस्त हैं, इतना ध्यान रखना, आगमन विधि और निगमन विधि क्या है, दोनों दोस्त हैं। अब निगमन का मतलब क्या होता है, आइए बताते हैं। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र का उपयोग करता है, कोई टीचर है और टीचिंग करवा रहा है, बता रहा है, कुछ भी करवा रहा है, और पहले से जो नियम बना हुआ है उसके उसको ही यूज़ करके वो भी वहाँ पर बता रहा है, फिर बाद में वो उदाहरणों को कम समय में स्पष्ट करके बता रहा है, पहले वो रूल बताएगा कि बेटा ये रूल है, ऐसे नियम होता है, इसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं, उस पर काफ़ी कुछ बताएगा, थीसिस देगा, सिद्धांत देगा और एग्जाम्पल्स देगा, रूल लगाएगा, प्रैक्टिस करवाएगा, बहुत कुछ करवाएगा, उसके बाद फिर जब चीज़ें करवाएगा तब आपको ध्यान होगा कि ऐसा चीज़ें हो रहा है। तो निगमन विधि की जो बात हो रही, जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करवाते समय पहले अगर नियम को प्रस्तुत कर रहा है और नियम प्रस्तुत करने के बाद वो अगर आपको उदाहरण दे रहा है तो इसका मतलब वो निगमन विधि से चल रहा है। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है, मैं बता दे रही हूँ, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि मैम आगमन और निगमन विधि पढ़े तो हैं, आपने बताया कि एक में उदाहरण देते हैं एक में नियम बताते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, तो उसके भूलने का नियम क्या है पता है। एक बात ध्यान रखना कि आगमन वाले से तो कोई ट्रिक
नहीं लगा पाओगे, लेकिन निगमन वाले में नियम, इसका नी और उसका नियम दोनों जोड़ लो, हमेशा आपका काम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान रखना, ये याद करने का तरीका है कि निगमन का मतलब वो नियम वाले में निगमन है, नहीं अगर वो तो आगमन वाले में उदाहरण है, ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, क्लास भी 10 मिनट की हो गई, चलो फटाफट लाइक करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, रुकना नहीं बिल्कुल भी, फटाफट करिए, राइट आंसर क्या होगा, डू इट फास्ट, कम ऑन जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, फटाफट करेंगे क्वेश्चंस को, आगे बढ़ते हैं। कर दिया होगा, आई होप सो, आप लोग सुनते नहीं हो, कंजूसी बहुत करते हो जो कि गलत बात है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं 6ठा क्वेश्चन, खोज विधि किसकी है। ऐसे एक प्रश्न बनता है कि खोज विधि किसकी है, खोज विधि के प्रतिपादक जन्मदाता कौन है, तो आप उत्तर बताएंगे खोज विधि की उत्पत्ति आर्मस्ट्रांग ने की थी, जो कि आपके सीटेट में आ सकता है। इसलिए मैं सीटेट की क्लास का सोच रही हूँ कि आपको सीटेट की क्लास, जहाँ तक होगा कि आज 5 बजे वाली जो क्लास रहेगी वो आपको सीटेट की क्लास मिलेगी, जितना मेरी तरफ से हेल्प हो पाएगा मैं वो भी आपको करवाऊँगी, क्वेश्चन वगैरह करवा देती हूँ कि कम से कम जो है कुछ तो हेल्प मेरी तरह हो जाए, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको सीटेट की क्लास आपके नए चैनल पे एक मतलब प्लेलिस्ट बना के उसमें आपको सीटेट की भी क्लासेस जो है क्वेश्चंस वाइज थ्योरी वगैरह नहीं करवा पाऊंगी इस पर, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी थ्योरी हो रही है, बहुत ज़्यादा है, और मैं अभी उस मूड में नहीं हूँ कि पूरा करवाऊँ, लेकिन यह है कि क्वेश्चंस के फॉर्म में समझा दूंगी, क्वेश्चंस ये आ रहे हैं ना तो वो काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल सेक्शन बहुत बड़ा है जो कि अभी मैं उसमें नहीं करना चाह रही हूँ, वक्त नहीं दे पाऊंगी ना, इसलिए फिर आधा अधूरा हो जाएगा। आगे बढ़ो, देखो 7वां यहाँ पर क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो चलना है करना है उसमें कौन सी विधि की बात हो रही है, वह विधि क्या है, इनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, जनरल से एक स्पेशल की ओर जो विधि है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप 7वें का बताएंगे कि इस विधि में जो ये विधि है, इस विधि में एक छोटे से छोटे छोटे प्रश्नों के छोटे छोटे भागों में उसको हम डिवाइड कर देते हैं और फिर उसे हल करते हैं। या विधि ऐसी होती है कि जो हमें बड़ा सा कोई क्वेश्चन दिया गया है, हमने उसको तोड़ दिया, टुकड़ों में कर दिया, डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट पर हम अपना जो है ध्यान लगाएंगे, अच्छा इसमें ये दिक्कत है, इसको सॉल्व किया, इसको हो गया, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा। यह प्रयोगात्मक समस्याओं का समाधान करने की एक विधि होती है, जो हम चीज़ें प्रयोग करते एक्सपेरिमेंट करते ना उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है, जैसे लेबोरेटरी में जाना है, लैब का काम करना है, डॉक्टरी वाला काम करना है, तो ऐसे जगह पर हम इनका जो साइंटिफिकली कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, केमिकल बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तब कुछ तत्वों या तथ्यों के संयोजन के द्वारा समस्या को हल करने के लिए यह विधि सामान्य से विशिष्ट की विधि होती है। यही आपसे पूछ रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर की जो विधि है वो क्या है या उसके अंतर्गत क्या है, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से वहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। आज मैंने 10 क्वेश्चन सिर्फ लिया है क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो मुझे कहा कि लेट हो जाएगा, जैसा कि मैं 10 क्वेश्चन ही करवाऊँ फिर आपको करवाऊँगा, करवा रही हूँ फ्रेंड्स, डेली का डेली हो रहा है। साचर विधि के निर्माता कौन है, निर्माता कौन है, इस विधि के आविष्कारक श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी, इसी में बता देती हूँ कि आपने इनका नाम तो बहुत पढ़ा, इन्होंने जो जो बात लिखी वो भी आपने इनके पूरी विधि को खूब पढ़ा, लेकिन साचर नाम से एक विधि इन्होंने दी है जो कि मारिया मॉन्टेसरी की है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है कि शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या, नियोजन का मतलब अगर इंग्लिश में अगर एक बार ध्यान रख लो ना, प्लानिंग, तो प्लानिंग से आप समझ जाते हो कि प्लानिंग क्या होती है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप लिख लोगे, क्योंकि ये चीज़ कभी किसी को याद नहीं रहती, ये कभी याद नहीं करते, और कभी भी नहीं, मैं मुझे लिखना हो अगर यही आंसर ना तो मैं इसको कभी याद ही नहीं करूँगी, बस एक वर्ड को पकड़ूंगी और इस वर्ड का अर्थ हमको आना चाहिए, अगर वर्ड का अर्थ आता तो आप कर ले जाओगे। तो शिक्षण में नियोजन क्या है, तो कहते हैं कि कार्य को कैसे किया जाना है या पहले से बताकर नियोजन के कार्य के लिए दिशा प्रदान करता है, कार्य को कैसे करना है, हाउ टू डू, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो कार्य को कैसे करना है, कैसे किया जाना है, ये पहले से जो बताकर नियोजन का कार्य करने के लिए दिशा देता है, आपको डायरेक्शन पहले से बताता है, नियोजन एक सुनिश्चित करता है, नियोजन ये पहले से फिक्स कर देता है कि लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है कि आप तो उस लक्ष्य तक पहुंचना है और इस रास्ते से होकर जाना है, ताकि वो तय करने के आधार मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे और कार्रवाई की जाने के लिए उसको एक दिशा में डायरेक्शन भी मिले। आपको पता है कि आपको यहाँ से 5 किलोमीटर कोई पार्क है वहाँ पर जाना है, तो जाने के 2 रास्ते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं, तो आप जिस जिले में रहते हो उस पार्क में आपके जाने का एक शॉर्टकट लॉन्ग कट होगा, जाहिर सी बात आपको पता है आपको वहाँ तक जाना है, ये रास्ते से जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको डॉक्टर बनना है तो जाओ बायो लो, बायो लेने के बाद आप BSc वगैरह करो या जो भी आपको करना है वो करो, नीट की तैयारी करो, वो जो भी मन में हो, आपको IIT में जाना है, IIT फील्ड में सेक्टर में जाना, तो मैथ लो, IIT वगैरह करो, BTech करो, जो भी करना वो करो, सबका पहले से प्री प्लान गोल है, अगर आप गोल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका हर चीज़ पहले से फिक्स होगा, डायरेक्शन होगा और आप अच्छे से करके अपना एम तक भी पहुँच जाओगे। जो सोचते हैं कि आप जाएंगे तब सोच के करेंगे तो ऐसा नहीं, ऐसे करने वाले फिर जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, किसी को मिल गई तो वो गुड लक उनका अच्छा है। ठीक है,
नेक्स्ट आओ, टेंथ यहाँ पर क्या है, भ्रमण विधि का उद्देश्य क्या होता है, घूमने की विधि जो क्या कि बहुत फेवरेट है, ठीक है। तो घूमने की विधि का उद्देश्य क्या होता है, वो भी घूमने की विधि अगर हमें पता हो, घूमना जाना तो जाएंगे आराम से, खूब खाए पिएंगे, मस्ती करेंगे, फोटोज़ खिंचाएंगे, ये होता है। लेकिन जब हम कभी घूमने की विधि को पढ़ाई के दौरान यूज़ करते हैं, जब टूर जाता है, कॉलेज से टूर जाता है, स्कूल से टूर जाता है, वो हमें ऐसे के लिए नहीं, थोड़ा मस्ती मौज होती हुई चलता है, लेकिन हम क्षेत्र भ्रमण के द्वारा छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। तो व्यवहार की चीज़ें, तो दुनिया है यहाँ पर, ये है यहाँ पर, वो है, इसका ये अर्थ है, इसका वो अर्थ है, जो मोन्यूमेंट्स रखे हुए, जो म्यूजियम में चीज़ें रखी हुई, जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, जो एकदम कुछ भी चीज़ें हैं, वो सब छात्रों को उनके पास के वातावरण, उनकी संस्कृति से परिचित कराओ, ऐसा वातावरण है ये यहाँ पर, आज इसलिए है क्योंकि उस समय ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद ऐसे सोमनाथ मंदिर चले जाओ तो वहाँ की स्टोरी आपको पता चल जाएगी पूरी, ठीक है। फिर उसके बाद छात्रों को विभिन्न स्थल पर ले जाओ, उनकी जो कलाएँ हैं, सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनी है, उनको दिखाओ कि ऐसा ऐसा आर्ट वगैरह उस समय थी, या ये उस समय का बना हुआ था, जो भी चीज़ें हैं जितना आप बेस्ट बता सको उतना बताओ। तो भ्रमण का मतलब क्या होता है कि हम वहाँ पर ले जाकर चीज़ों को जब वास्तविक तरीके से दिखाते हैं ना, तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है और याद रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके 10 क्वेश्चंस को मैंने कर दिया ओवर, और ये आपकी 15 मिनट की क्लास यहाँ पर भी हो गई है। आपकी शाम की जो क्लासेस आज सेम टाइम पर सब कुछ होगी, 9 बजे वाली भी होगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर अभी कोई प्रॉब्लम है तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लो, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, ये आसान भी हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।